दोस्तों, पितृ पक्ष आ रहा है और इस पक्ष में पितरों को यानी कि अपने पूर्वजों को पूरी श्रद्धा के साथ उन्हें नमन किया जाता है, उनको श्रद्धा अर्पित की जाती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, जिस व्यक्ति के पितर उससे प्रसन्न हो जाते हैं, उसके खुशियों के दरवाजे खुलने लगते हैं, क्योंकि पितर ही सर्वप्रथम आपके पहले देव हैं। यानी कि आपके घर में खुशी आएगी या गम आएगा, अच्छी शक्तियाँ आएंगी, सकारात्मक शक्तियाँ आएंगी अथवा नकारात्मक शक्तियाँ आएंगी, इस बात का फैसला भी पितर ही करते हैं। पितर आपके घर में ही विराजित रहते हैं। उनकी कृपा दृष्टि जिस व्यक्ति पर होती है, उस व्यक्ति पर अन्य देवी देवताओं की कृपा दृष्टि भी होने लगती है। इसलिए दोस्तों, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना अति आवश्यक है। इसलिए हिंदू धर्म में बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना सर्वोच्च माना गया है। पिता को भगवान से भी ऊँचा दर्जा दिया गया है। दोस्तों, पितृपक्ष में जो प्रेत योनि में है अथवा पितृ योनि में है और जो अपने वंशजों के पास आते हैं उनकी खुशहाली देखने के लिए अथवा भोग लगाने के लिए, वे नश्वर रूप में आत्मा के रूप में आते हैं, परंतु यहाँ आकर वे किसी न किसी अन्य रूप को धारण करते हैं जिसे लेकर वे अपने वंशजों के पास आते हैं। इसलिए व्यक्ति को यह पहचान होनी चाहिए कि पितृपक्ष में पितृ किस रूप में आते हैं, जिससे आप उनका अनादर ना करें। और अगर आप उनका अनादर नहीं करेंगे, उन्हें आदर सत्कार के साथ पूरी श्रद्धा के साथ उन्हें भोग चढ़ाएंगे, तो वे प्रसन्न होकर आपकी समस्त परेशानियों को दूर करेंगे। उनके आशीर्वाद से आप और आपका परिवार फलने फूलने लगेगा। तो दोस्तों, पितृपक्ष में किन रूपों में आते हैं पितृ, कैसे इन्हें पहचाने, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पितृपक्ष में किस रूप में आते हैं पितृ। दोस्तों, अनुष्ठान और तर्पण के लिए ऐसा कहा जाता है कि श्राद्ध पक्ष में पितृ धरती पर आते हैं। माना जाता है कि पितृपक्ष में पितरों का संबंध प्रकृति से भी होता है। दोस्तों, पितृपक्ष में मनुष्य से लेकर पक्षी तक कई रूपों में पितर आपके घर के द्वार पर आ सकते हैं, बस हम उन्हें पहचान लिया जाए। आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में पितर आपके घर में किन रूपों में आ सकते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष के समय पर अगर घर में कोई मेहमान, कोई गरीब और असहाय व्यक्ति आए, तो इसका कभी अनादर नहीं करें और उन्हें ना कभी खाली हाथ जाने दें, बल्कि उनके लिए भोजन की व्यवस्था अवश्य कर दें। दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि पितृ उनका रूप लेकर आपके घर में आए। दोस्तों, पितृ जानवर के रूप में भी आ सकते हैं, जैसे कि कुत्ता या गाय। श्राद्ध पक्ष में गाय या कुत्ते का भी द्वार पर आना बहुत शुभ माना जाता है। अगर ये रास्ते में भी दिख जाए तो इन्हें मारकर नहीं भगाना चाहिए, बल्कि इनको कुछ न कुछ खाने को देना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष में पितृ कौए के रूप में भी आ सकते हैं। पितृपक्ष में अगर आपके घर में कौआ आए, तो उसे कभी भी भगाएं नहीं, बल्कि कौए को भोजन दें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध पक्ष में 15 दिन तक कौए के द्वारा ही पितृ अन्न ग्रहण करते हैं। इससे न सिर्फ वे तृप्त होते हैं।